हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये वीडियोस हमारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो मैं सभी शब्दावली को हिंदी में लिखूंगा और आपको मैं टॉपिक समझाऊंगा। मैं आपके लिए फिफ्थ यूनिट मध्य प्रदेश पीएससी की मेंस का जो पहला पेपर है, जिसमें डायनेस्टीज़ हैं, राजवंश हैं, इनके बारे में आपको ये सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। टॉपिक्स बहुत लेंदी हैं सभी डायनेस्टीज़ के। सब डायनेस्टीज़ अपने आप में 6 से 7-8 घंटे की है। तो मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस में ये डायनेस्टीज़ कंप्लीट कराऊंगा, ताकि आप धीरे धीरे चीज़ों को समझें और आसानी से आपके नोट्स बन सके उस तरह से। तो चलिए, जो है सबसे पहले मैं आपको सिंधिया राजवंश पढ़ाता हूँ पूरा अच्छे तरह से। चाहे मेंस हो, प्री हो, कि कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको मैं बहुत सारे फैक्ट्स, चाहे प्री मेंस कैसे भी हो, सब कुछ कवर हो जाएंगे इसमें। जब हम सिंधिया डायनेस्टी को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपको क्लियर हो वो ये हो कि कैसे मराठा मालवा में आते हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कैसे आए ये। महाराष्ट्र के नज़दीक पुणे के पास इनका बेस था, पर यहाँ कैसे आए। फिर इसके बाद आपने सिंधिया वंश में एक राजा नाम सुना होगा, राणोजी सिंधिया, जो कि इसके क्या है, संस्थापक हैं। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कोई भी डायनेस्टी हो, उसके संस्थापक को पढ़ना। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें कि प्रमुख महाराजा पढ़ेंगे सभी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आपको अच्छे से लिखवाऊंगा, और बाकी को सिर्फ स्टोरी के बेसिस में, ताकि कुछ स्टोरी मिस ना हो, वो आपको हो सके कंप्लीट। और इसके बाद जो है इनका योगदान, अलग अलग फील्ड्स में इनका क्या योगदान रहा है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो हम शुरू करते हैं सिंधिया डायनेस्टी में। तो पहला है कि मराठाओं का मालवा में आगमन, क्योंकि ये सब लोग मराठा हैं। तो देखिए कैसे होते हैं। तो इसके लिए हमें एक, मैं छोटा सा मैप बनाता हूँ आपको मध्य प्रदेश का। तो ये है हमारा मालवा यहाँ पर, और यहाँ पर है ये लोग मराठा लोग। इस जगह पे इनका मेन बेस बना हुआ है पूना के आसपास। तो ये हैं मराठा लोग, और यहाँ पर हैं मुग़ल बैठे हुए हैं। और मुग़ल का इस समय पे जो सूबेदार है, जो यहाँ पर मुग़ल की तरफ से रूल करता है, उसका नाम है गिरधर बहादुर। तो हमारी स्टोरी, ये लोग कैसे आए हैं, ये हमें पढ़ना है यहाँ पर, ताकि हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। तो देखिए, जैसे ही हम इसको शुरू करते हैं, तो शुरुआत कैसे होती है। शुरुआत होती है 1720 से। 1720 में ऐसा क्या होता है, ऐसा ये होता है कि पेशवा बनाए जाते हैं, और एक नए पेशवा आते हैं जिनका नाम है बाजीराव। मैं वही बात कर रहा हूँ कि रणवीर सिंह, जिसमें बाजीराव मस्तानी में जब बाजीराव बनते हैं उसकी। तो ये पेशवा बनते हैं 1720 में, और जैसे ही ये पेशवा बनते हैं, ये एक अपना अभियान चलाते हैं। तो आपने मूवीज़ में देखा होगा कि ये एक जो मोरपंख है वो गड़ा रहता है, तो अपने तीर से जो है नीचे की जड़ काटते हैं, और इससे वो पूरा का पूरा पेड़ जो है ये गिरा देते हैं। तो ये मुगल्स के लिए इनकी सोच थी। तो ये एक अपना अभियान चलाते हैं मुगल्स को ही डाउन करने के लिए, जिसे हम जानते हैं किस नाम से, मालवा का अभियान। तो एक मालवा का अभियान ये शुरू किया इन्होंने। मालवा का अभियान जैसे ही शुरू करते हैं, ये कहीं किताबों में 1723 है, कहीं पे 1725 है, कहीं 1724 है। तो 1723 से 5 में एक मालवा का अभियान शुरू करते हैं, और मालवा के अभियान में मालवा जीतना होता है। इसका नेतृत्वकर्ता ये किसे बनाते हैं, तो नेतृत्वकर्ता अपने भाई को बनाते हैं, अपने भाई जिसका नाम है चिमनाजी अप्पा। चिमनाजी अप्पा को ये अपना भाई बनाते हैं, और चिमनाजी अप्पा अपने साथ कुछ कमांडर बाजीराव के कहने पर रखते हैं, और अपनी सोझबूझ से रखते हैं। ये जो कमांडर्स हैं, इनमें एक कमांडर्स हैं
उदय जी पवार, दूसरे कमांडर हैं मलहर राव होलकर और तीसरे कमांडर हैं राणोजी सिंधिया। और इस तरह से आपको भी धीरे धीरे टॉपिक कैच कर रहा होगा कि ये तीन नाम आ गए, मतलब ये तीन मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़ेंगे। तो ये चिमनाजी अप्पा के साथ तीन कमांडर्स हैं और इन कमांडर्स के साथ में धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हैं और फिर इनकी सामना किसके साथ होगा, तो देखो कहाँ से आ रहा है एरो, गिरधर बहादुर जो कि यहाँ पे मालवा का सूबेदार है, ये लोग यहाँ पे सामना करेंगे। तो अब जैसे ही इस अभियान में ये अभियान शुरू हुआ तो इन्हें कुछ लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। तो यहाँ पर ये दो इम्पोर्टेंट लड़ाई लड़ते हैं। तो जो पहली लड़ाई इन्होंने लड़ी है वो लड़ी किस ज़िले में, धार ज़िले में लड़ी है, और धार ज़िले में भी किस जगह पे, अमझेरा पे लड़ी हुई है। कब लड़ी थी ये, 1728 में लड़ी हुई थी। तो धार ज़िले के अमझेरा में 1728 में एक लड़ाई लड़ी गई जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम अमझेरा की लड़ाई के नाम से जानते हैं। इस अमझेरा की लड़ाई में किस किस के अगेंस्ट हुई थी, तो एक तरफ थे चिमनाजी अप्पा और इनके कमांडर्स और दूसरी तरफ था गिरधर बहादुर। और इस लड़ाई का परिणाम क्या होता है, इस लड़ाई का परिणाम होता है कि जो गिरधर है वो हार जाता है और मारा जाता है। तो हारा जाता है और मारा जाता है, और इस तरह से चिमनाजी अप्पा यानी कि इस परिणाम से मराठा लोग एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं अपने अभियान को पूरा करने के लिए। अभी सिर्फ इन्होंने हराया है, ऐसा नहीं है कि मालवा इनके कब्जे में आ गया हो, अभी तो ये लड़ाइयाँ हुई हैं। तो पहली लड़ाई जिसे हम अमझेरा की लड़ाई के नाम से जानते हैं 1728 में लड़ी गई, गिरधर बहादुर मालवा का सूबेदार था और सामने थे चिमनाजी अप्पा और उनके कमांडर्स। तो इस लड़ाई के साथ एक कदम आगे मिशन ऑफ मालवा में ये बढ़ जाते हैं मालवा के अभियान में। सिमिलरली इसके बाद क्या होता है, इस लड़ाई के बाद गिरधर बहादुर मारा गया, तो गिरधर बहादुर के बाद दूसरा आता है भवानी राम, अगला सूबेदार। लेकिन भवानी राम के पास पैसे की तंगी रही और इस वजह से उसे ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए, और इसके बाद अगला सूबेदार आ जाता है दया बहादुर। तो ये सूबेदार आया दया बहादुर, तो दया बहादुर आया ये अपने सख्त प्रशासन और राजस्व वसूली के लिए जाना जाता है। तो दया बहादुर जैसे ही आता है तो फिर क्या होता है, इसके साथ भी एक लड़ाई होती है, और ये होती है कहाँ पर, दया बहादुर आया, लड़ाई शुरू हुई। लड़ाई शुरू किस जगह पर हुई है, तो ये फिर से धार ही ज़िले के एक गांव है जिसका नाम है तिरला, या कहीं पर ये आपको लिखा हुआ मिलता है तारला। ये लड़ाई होती है 1731 में। इस इम्पोर्टेंट लड़ाई को क्या कहा जाता है, इसे तिरला की लड़ाई कहा जाता है। ये तिरला किस ज़िले में है, तो धार में है। ये लड़ाई 1731 की है। तो ये दूसरी इम्पोर्टेंट लड़ाई होती है। जैसे ही ये लड़ाई होती है तो किस किस के बीच में, तो एक तरफ हम लिखेंगे कि ये दया बहादुर के और उसकी सेना के साथ, और दूसरी तरफ लिखेंगे चिमनाजी अप्पा के साथ प्लस इनके कमांडर्स। और परिणाम क्या होता है, वही का वही होता है कि दया बहादुर हारा जाता है और मारा जाता है, हारा जाता है मारा जाता है। तो इस परिणाम के बाद जो है यहाँ पे, ये परिणाम में मराठाओं को क्या फ़ायदा हुआ, फिर से एक कदम आगे निकल जाते हैं अपने मालवा के अभियान के लिए। अब अभी भी एक कदम आगे हैं, जी हाँ, अभी इनको ये कब स्थापित होंगे, जब इन्हें मुग़ल लोग मालवा लिख कर दे देंगे कि हाँ मालवा आपका है, तो उसके बाद मुग़ल दखल नहीं देंगे। तो जैसे ही ये मालवा के अभियान में इस लड़ाई को जीतते हैं, तिरला की लड़ाई को, तो अब यहाँ से क्या है, स्टेटस इस तरह से बन जाता है कि
ये हमारा मालवा का जो पर्टिकुलर हमें इन डायनेस्टी से रिलेटेड पढ़ना है, ये जो एरिया है ये पूरा ये लोग घुसाते हैं धार्क से इसके अंदर। तो जैसे ही ये होता है तो मालवा के अभियान के बाद में यहाँ पे क्या होता है, मालवा का पेशवा बाजीराव बंटवारा करते हैं। मालवा का बंटवारा होता है और मालवा के बंटवारे में के कितने हिस्से करते हैं, 3 हिस्से करते हैं। और तीनों हिस्सों में एक हिस्सा देते हैं, कौन सा वाला, 3 हिस्से करते हैं जिसमें एक हिस्सा दिया जाता है स्पेशली देवास वाला, देवास प्लस धार का कुछ हिस्सा। ये दिया जाता है किसको, ये हो दिया जाता है उदय जी पवार को दिया जाता है, उदय जी पवार, ठीक है। इसी तरह से दूसरा हिस्सा होता है, तो ये पहला हिस्सा है, दूसरा हिस्सा इंदौर का होता है। इंदौर के आसपास के जो जिले हैं वो किसे दिए जाते हैं, मल्हर राव होलकर, और इन्हीं से मल्हर राव होलकर एक नया राजवंश बसाते हैं जिसे हम होलकर डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो तीसरी डायनेस्टी है वो है, तीसरा जो क्षेत्र है वो है उज्जैन, और उज्जैन में जो अगले हैं वो दिया जाता है किसे, तो इनके तीसरे कमांडर राणोजी सिंधिया को। तो राणोजी सिंधिया को उज्जैन का क्षेत्र दे दिया जाता है, और उज्जैन के क्षेत्र के साथ ही ये 1731 है, ये 1731 है, ये 1732 है। कहीं कहीं पे ईयर्स में वेरिएशन मिलता है पर ज़्यादातर बुक्स में 1731 दिया है, और मल्हर राव होलकर में 32 भी मिलता है, 33 भी मिलता है। तो ये इनको एरिया देती हैं, और देने के बाद ये एक नए राजवंश की स्थापना करते हैं जिसे हम जानते हैं सिंधिया राजवंश के नाम से, इसे जानते हैं होलकर राजवंश के नाम से, और इसे जानते हैं पवार राजवंश के नाम से। हमें सिलेबस में होलकर और सिंधिया हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से ये लोग आए, और इन्होंने हमने जो पहला डायग्राम पढ़ा था कि कैसे ये एंटर हो जाते हैं मालवा में, तो यहाँ पर तो इनको दो इम्पोर्टेंट लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी हैं, तारला की लड़ाई और अमझेरा की लड़ाई। अब इसके बाद ये राजवंश यहाँ पे आके इनको एरियाएं मिल गई इनकी, अब एरिया के बाद ये उसे बसाते हैं। तो अब यहाँ पे इनके फाउंडर्स का इंट्रोडक्शन अपन को आना चाहिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना। अगर आपको समझ में आया है इसी तरह से इनकी स्टोरियाँ लिखिए आप, और आप हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं इस सीरीज़ को डेली ही आपको वीडियो डालूंगा इसका, जब तक सिंधिया डायनेस्टी हो नहीं जाती है, आराम आराम से मैं करवाऊंगा, जल्दबाजी में नहीं। और नोट्स इसी तरह से स्टोरी फॉर्म में आपको मिलेंगे, तो आप मेरे साथ ही लिखते जाइए और अपने अपने नोट्स बनाते जाइए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।